अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं स्कूसर डॉट कॉम का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम वीकली प्राइस अपडेट लेके आए जीपीयूज की। इसमें जो जो जीपीयूज हमारे पास अवेलेबल है उनकी प्राइस अपडेट देंगे आपको और आपका गिव वे का विनर भी सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको बताता चलूँ कि ईद की छुट्टियाँ शुरू हो जानी है, जो अगली वीडियो हमारी आएगी आपको पता है कि हर संडे प्राइस अपडेट आती है और साथ स्टॉक की अपडेट भी आती है। हमारा स्टॉक भी आ रहा है नेक्स्ट वीक में और जो है वो वीकली प्राइस अपडेट की जो वीडियो वो इकट्ठी कर देंगे। जो इस वीडियो का गिव वे का विनर होगा वो हम अगली वीडियो में जाके जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। तो बाकी जो इस वक्त मेरे पास जीपीयूज अवेलेबल हैं इनकी प्राइस बड़ी अच्छी देने जा रहा हूँ आपको और आपका गिव वे का विनर भी सिलेक्ट करेंगे वीडियो में आगे चल के, बल्कि एंड पे सिलेक्ट करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, मिस नहीं करनी कोई भी चीज़, ताकि जो है वो आपको रेट भी पता चल जाए, गिव वे का विनर भी जो है वो आपको पता चल जाए। तो अब चलेंगे हम अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलते हैं जी, फिर जो हमारे पास जीपीयूज इस वक्त अवेलेबल हैं उनके बारे में बताता चलूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा 2 GB के जो जीपीयूज हमारे पास अवेलेबल हैं वो GTX 762 GB 256 bit ग्राफिक कार्ड हमारे पास अवेलेबल हैं। ये ASUS ड्यूअल फैन में ग्राफिक कार्ड हमारे पास अवेलेबल हैं। ये ड्यूअल फैन में ग्राफिक कार्ड मिलेगा, इसके ऊपर जो है वो आपको एक 8 पिन और एक 6 पिन कनेक्टर की ज़रूरत है। 500 वाट की PSU अगर आपके सिस्टम में लगी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस पर जो है इसको इजीली रन कर सकते हैं। आउटपुट की बात करें तो इसमें एक HDMI, एक DP और 2 DVI कनेक्टर लगते हैं। इस ग्राफिक कार्ड की जो मार्केट प्राइस चल रही है वो 20K चल रही है, लेकिन हम आप लोगों के लिए इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस लेके आए हैं वो 18K लेके आए, यानी कि 18,000 रुपये में ये ग्राफिक कार्ड जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो अगला 2 GB में हमारे पास ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है, आप सबका फेवरेट ग्राफिक कार्ड है, इसकी डिमांड भी काफ़ी रही है और इस दफ़ा जो हमने स्टॉक में भी काफ़ी ग्राफिक कार्ड मंगवाए थे। ये हमारे पास है GTX 962 GB 128 bit ग्राफिक कार्ड है। GDDR5 में ये ग्राफिक कार्ड है, ये ड्यूअल फैन में आपको मिलेगा। ZoTech इसका वेंडर है। 6 पिन कनेक्टर इसके लिए रिक्वायर्ड है। 450 वाट की PSU पे भी आप इसको ईजिली चला सकते हैं। 10x10 कंडीशन मिलेगी। इसके आउटपुट की बात करें तो इसमें एक HDMI, एक DP और एक DVI कनेक्टर लगता है। इसके थ्रू जो है वो आप अपने जो है वो डिस्प्ले को अटैच कर सकते हैं, इन तीन जो है डिस्प्ले के साथ। अच्छा, इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 22K चल रही है, लेकिन हम आप लोगों के लिए इसकी जो प्राइस लेके हैं वो 20K लेके हैं। 20K में ये ग्राफिक कार्ड आपको जो है वो मिल जाएगा। ये है GTX 962 GB 128 bit ग्राफिक कार्ड GDDR5 में। इसके बाद हम चलेंगे जी, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड है, मैं डिमांड भी इसलिए साथ साथ बताता रहता हूँ कि आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही हम ग्राफिक कार्ड आजकल मंगवा रहे हैं। हम रिसर्च करते हैं जिस ग्राफिक कार्ड के ज़्यादा बायर होते हैं या जिसकी क्वेरी ज़्यादा हमारे पास आ रही होती है, तो वो ग्राफिक कार्ड लाजमी हम अपने स्टॉक में लेके आते हैं। तो वो ग्राफिक कार्ड है हमारे पास RX 580 8 GB 256 bit ग्राफिक कार्ड है। ये सफायर पल्स में ये ग्राफिक कार्ड है। ड्यूअल फैन में ये ग्राफिक कार्ड मिलेगा। बैक प्लेटेड ये ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, ये फायर पल्स वाला। अच्छा, इसके लिए आपको 500 वाट की PSU इनफ है। 500 वाट की PSU आपके लिए जो है वो इनफ है इस ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए। इसके लिए 8 पिन कनेक्टर की ज़रूरत है। आउटपुट की बात करें तो इसमें 2 HDMI, 2 DP और 1 TVA कनेक्टर लगता है। ये 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, 256 bit है और GDDR5 में ये ग्राफिक कार्ड आपको मिलेगा। इसकी प्राइस आप कंपेयर कर सकते हैं, मार्केट से कहीं कम प्राइस देते हैं। आपको पता है कि स्कूल से गेमिंग स्टोर पे सबसे कम प्राइसेस आपको जीपीयूज़ की मिलती हैं, कोई भी बेट नहीं कर सकता। अच्छा, जो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो हमारी प्राइसेस को बेट नहीं कर सकता ना, वो यकियाँ शुरू कर देता है, वो वाले काम शुरू कर देता है जो मतलब कि ना हमने कभी किए नहीं। अगर हम भी करना शुरू कर देना तो ये बेचारे जो है ना ये तुरतू फिरतू या तितर बटेर जो होते हैं ना ये भाग जाएंगे। तो ज़रूरत नहीं है हमें इनके साथ जो है वो इस तरह करने की। भौंकते हैं, भौंकने दें। बाकी ये ग्राफिक कार्ड जो है वो RX 580 8 GB 256 bit ग्राफिक कार्ड चैलेंज के साथ इसकी प्राइस हम दे रहे हैं सफायर की 25K। 25K में RX 580 8 GB 256 bit ग्राफिक कार्ड सफायर का आपको जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो अगला ग्राफिक कार्ड हमारे पास अवेलेबल है, इसमें हमारे पास 4 GB में भी इस दफ़ा ग्राफिक कार्ड है। XFX में है RX 570 4 GB 256 bit ग्राफिक कार्ड हमारे पास अवेलेबल है। 4 GB का ग्राफिक कार्ड है, इसकी प्राइस भी बड़ी अच्छी लेके हैं। तो ये आपको 22K में ये ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, 22,000 रुपये में ये ग्राफिक कार्ड RX जो है वो 570 4 GB 256 bit GDDR5 में ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे जी आप लोगों का सबसे फेवरेट ग्राफिक कार्ड हमारे पास, इसकी बात मैं बाद में करूँगा। इससे पहले मुझे याद आ गया कि मेरे पास GTX 1060 3 GB 192 bit GDDR5 में भी ग्राफिक कार्ड हमारे पास अवेलेबल है।
असूस ड्यूअल में ये ग्राफिक कार्ड है, ड्यूअल फैन ये ग्राफिक कार्ड मिलेगा, 6 पिन कनेक्टर इसके लिए रिक्वायर्ड है। आउटपुट की बात करें तो इसमें एक HDMI, एक DP और एक DVI कनेक्टर लगता है। 450 वाट की जो अच्छी PSU है उस पर भी आप इसको जो है वो इजीली रन कर सकते हैं। 192 बिट का ग्राफिक कार्ड है, इसकी मार्केट प्राइस भी 30K तक चल रही है, लेकिन हम आप लोगों के लिए 27K में लेके हैं। 27K में ये ग्राफिक कार्ड आपको जो है वो मिल जाएगा। इसी तरह आप चलेंगे जी आप लोगों के सबसे स्पेशल वन ग्राफिक कार्ड, जो आपका फेवरेट ग्राफिक कार्ड उसकी तरफ। ये है हमारे पास RX 590 8GB 256 बिट ग्राफिक कार्ड है, सफायर नाइट्रो में स्पेशल एडिशन है, ब्लू LED जो है इसके फैन के अंदर लाइट है, और इसके लिए आपको 500 वॉट की PSU चाहिए। इसके ऊपर दो जो है वो पिन कनेक्टर है, इसमें एक 6 पिन कनेक्टर लगता है और एक 8 पिन कनेक्टर लगता है, लेकिन आपने जो है वो 8 पिन कनेक्टर लगा के भी इसको जो है वो चला सकते हैं, 6 पिन कनेक्टर इसका ऑप्शनल है। आउटपुट की बात करें तो इसमें 2 HDMI, 2 DP और 1 TVA कनेक्टर लगता है। इस ग्राफिक कार्ड की जो मार्केट प्राइस है वो अभी भी 32 से 33K चाह रही है, लेकिन हम आप लोगों के लिए इसकी प्राइस जो है वो 30K लेके हैं। 30K में ये ग्राफिक कार्ड आपको मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हमारा स्टॉक आ रहा है, उसमें भी बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं, उसमें भी प्राइस अपडेट आपको देंगे इंशाल्लाह। जो हमारी कोशिश है कि आप लोगों के लिए मज़ीद प्राइजेस कोशिश करें कि कम हो जाएँ, लेकिन इस सिचुएशन में आपको पता है कि लोग नहीं प्राइजेस कम देते, लेकिन हम आप लोगों के लिए कम प्राइजेस लेके आते हैं। अच्छा लास्ट पर चलेंगे जी, हमारे पास 2 ग्राफिक कार्ड रह गए मॉडल। इसमें हमारे पास RX 5600 XT ग्राफिक कार्ड है, 1 GB डुअल फैन में जो है वो RX 5600 ग्राफिक कार्ड, 6GB 192 बिट GDDR6 में ग्राफिक कार्ड मिलेगा, डुअल फैन में बैक प्लेटेड ये ग्राफिक कार्ड मिलेगा। आउटपुट की बात करें तो इसमें एक HDMI 3 DP कनेक्टर लगते हैं। तो इस ग्राफिक कार्ड की जो मार्केट प्राइस है 42K है, लेकिन हम आप लोगों के लिए इस ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस लेके आए हैं वो हम लेके हैं 40K। 40K में ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा। इसी तरह जो हमारा अगला स्टॉक आ रहा है उसमें हमारे पास GTX 1660 सुपर ग्राफिक कार्ड आ रहे हैं, GigaByte में भी है, MSI Gaming X में भी है, उनकी प्राइस भी आपको अच्छी देंगे, उसकी प्राइस भी आपको जो है वो अपडेट इंशाल्लाह कर देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे, हमारे पास जो अगला ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है वो RX 5500 XT ग्राफिक कार्ड हमारे पास अवेलेबल है। ये भी 8GB ग्राफिक कार्ड है, 128 बिट ग्राफिक कार्ड है और GDDR6 में ग्राफिक कार्ड है। ये ड्यूअल फैन में ग्राफिक कार्ड है, बैक प्लेटेड और 10x10 कंडीशन के साथ मिलेगा। कंपैरिजन आप कर सकते हैं यूज़र बेंचमार्क पे कर लें, या गूगल पे वैसे जाके किसी ग्राफिक कार्ड के साथ जो है वो आप इसका बेंचमार्क कर सकते हैं। किसी भी ग्राफिक कार्ड को अगर आपने कंपेयर करना हो तो गूगल पे जाके जो है उनका वर्सेस लिख के उसको जो है वो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे ग्राफिक कार्ड, जो आपके बजट में आ रहा हो तो आप वो बाय करें। अच्छा, इसके आउटपुट की बात करें तो इसमें एक HDMI 3 DP कनेक्टर लगते हैं, 8 पिन कनेक्टर इसके लिए रिक्वायर्ड है और 500 वॉट की PSU इसके लिए भी रिक्वायर्ड है। इस ग्राफिक कार्ड की जो मार्केट प्राइस है वो इस वक्त 33K से 35K चाह रही है, लेकिन हम आप लोगों के लिए ये ग्राफिक कार्ड 31K में लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे इस वक्त जो GPUs हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल हैं। नया स्टॉक भी इंशाल्लाह हमारा आने वाला है, बाकी आगे ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं, तो इंशाल्लाह ईद के बाद भी आपको ईद गिफ्ट भी देंगे और अच्छी प्राइजेस भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। और अगर आप इनमें से कोई GPU बाय करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर शोर है, वहाँ पर जाके आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप हमारा स्टोर विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टोर पे भी आके इसको जो है वो बाय कर सकते हैं। अब बात करेंगे इनकी वारंटी की, ये जो GPUs आप हमसे बाय करते हैं इनकी वारंटी आपको 15 दिन की मिलेगी, जिसमें डेड और बन के अलावा तमाम आर्टिफैक्ट्स की जो है वो आपको वारंटी मिलेगी, ठीक है, डेड और बन के अलावा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो हमारा वारंटी स्टिकर होता है, जो हम वारंटी स्टिकर आपको लगा के देते हैं अपने GPUs पे, जैसे इसके जो पेज वगैरह जो लगे होते हैं, नट वगैरह, इनके ऊपर हम एक अपना वारंटी स्टिकर लगा के देते हैं आपको। अगर वो आपने वो ग्राफिक कार्ड की वारंटी क्लेम करवानी है और वारंटी के डेज़ के अंदर, जैसे 15 दिन की वारंटी है, 15 दिन के अंदर अंदर क्लेम करवानी, तो आपने उस स्टिकर को जो है वो रिमूव नहीं करना, या उसके ऊपर पेज कस नहीं लगाना, या इसको ग्राफिक कार्ड को खोलना नहीं है, तो आपकी वारंटी जो है वो क्लेम हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप ख्याल में रखा करें। तो खुद जो मैकेनिकी करने से पहले अगर आपकी वारंटी पड़ी है तो वारंटी में जो है वो आप इसको जो है वो क्लेम करवाया करें। बाकी इसके शिपिंग की बात करें तो शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किसी भी कोने, किसी भी जगह, किसी भी सिटी में आप इसकी शिपमेंट मंगवा सकते हैं, तो आपको जो है फ्री डिलीवरी के साथ ये मिलेगा। शिपमेंट कॉस्ट जो है वो आपने पे नहीं करनी, डिलीवरी कॉस्ट जो है वो हमारी तरफ से आपको डिस्काउंट, और वो हम खुद पे करेंगे। आपने जस्ट जितने की चीज़ आप हमसे बाय कर रहे हैं आपने जस्ट वही पे करना है, डिलीवरी कॉस्ट वगैरह भी आपने पे नहीं करनी। तो अब लास्ट पे रह गया जी आपका जो है वो गिव वे। तो गिव वे के लिए हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे चल के आपको गिव वे का विनर दिखाते हैं और दिखाते हैं कि आज का गिव वे का विनर कौन है। और इस वीडियो के नीचे जो है वो आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे जो है वो
कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये चारों शर्तें पूरी करें तो आप भी गिव अवे हासिल कर सकते हैं। बाकी फिर मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ। अल्लाह हाफिज। तो फ्रेंड्स चलते हैं जी, गिव अवे का विनर सिलेक्ट करते हैं। ये लास्ट वीडियो हमने अपलोड की थी 6 डेज अगो, इसके नीचे जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं 70 कमेंट्स हैं, इसमें से एक गिव अवे का विनर सिलेक्ट करेंगे। ये वीक 26 की वीडियो थी, तो इसके लिए हम यहाँ पे URL कॉपी करते हैं इस वीडियो का। इसके बाद हम यहाँ पे YouTube रैंडम कमेंट पिकर के नाम से वेबसाइट है, उस पर चलते हैं और यहाँ पे जाके इसका जो है वो URL पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम फिल्टर डुप्लीकेट यूजर करते हैं और यहाँ पे हम इसका कैप्चा फिल करने के बाद गेट YouTube कमेंट करते हैं। यहाँ पे 68 कमेंट्स जो है वो हमारे पास आ गए। इस 68 में से एक विनर जो है वो सिलेक्ट करेगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, और वो विनर होगा K590 जो कीबोर्ड है उसका विनर होगा आज का जो भी विनर होगा। तो नेक्स्ट जो भी आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये हमारी जो वीडियो चल रही है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसके नीचे कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चारों शर्तें पूरी करेंगे तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो ये जी स्टार्ट करते हैं और विनर को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। कौन है जी विनर आज का? ये सईद अहमद है जी। सईद अहमद बेस्ट प्राइजेज इन ऑल ओवर पाकिस्तान, ठीक है जी। इनका यूट्यूब चैनल भी देखते हैं सईद भाई का। ये जी सईद अहमद /RS4DN, ठीक है जी। 9 वीडियो इन्होंने, लेकिन 9 वीडियो इन्होंने जो है वो अपलोड की, कोई भी वीडियो अब तक अपलोड नहीं की इनका। ये जो हमने अपने पास जो सेव कर लिया इनका ये यूजर नेम जो होता है। बाकी सईद भाई आपको मुबारक हो, आपने जो है वो K590 जो है वो कीबोर्ड विन किया है। वो गिवअवे हासिल करने के लिए हमारे जो नंबर है 03017051059 वाले नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें, अपनी वेरिफिकेशन करवाएं और अपना जो है वो गिवअवे हासिल कर लें।